झुमा नाची खाइबू उठा लालिए से देखे तो धनी हो सब धन और राजा जी के दिलवा के बाद पवन सिंह का एक और गाना आ चुका है जो कि पति और पत्नी के बीच का मैटर का गाना होने वाला है। ठीक है समरिया, आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के नए गाने के बारे में जो कि पवन सिंह का आज सुबह सुबह गन्नायक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से गाना आया है जिस गाने का बोल रखा गया है ले आए जाके सौ तीन जो कि बहुत ही बेहतरीन गाना है। लिरिक्स एकदम लाजवाब लेवल का है। अच्छा और इसी गाने का हम फुल रिव्यू देंगे और इस गाने के अंदर कुछ कमियां भी देखने को मिली है तो सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा और बहुत मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस गाने के अंदर स्टोरी कुछ अलग है जो कि इसके अंदर पवन सिंह के पत्नी जो है वो नाराज रहती है और पवन सिंह इस बार मनाने के बजाय उनको और धमकाते हैं, कहने का मतलब है कि वो और इरिटेट करते हैं और कुछ इस प्रकार से कहते हुए नजर आते हैं। तो इस गाने के अंदर जो लिरिक्स लिखे हैं प्रिंस प्रियदर्शी, लिरिक्स तो बहुत ही बेहतरीन है, साथ में म्यूजिक प्रियांशु सिंह का है तो गाना तो हिट होना ही है क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा इस गाने के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रियांशु सिंह के द्वारा। वही लिरिक्स भी कमाल लेवल का है और सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह के साथ में जो गाना गाई है अनुपमा यादव का आवाज है जो कि बहुत ही मिठास भरा आवाज अनुपमा यादव का इस गाने के अंदर सुनने को मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि पवन सिंह का आवाज जो है जो कि पुराने गाने की तरह इस गाने के अंदर सुनने को मिल रहा है, बिना ऑटो ट्यून का गाना बनाया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और इसी प्रकार का आवाज में पवन सिंह का गाना आना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस प्रकार से गाना आना चाहिए या फिर नहीं कमेंट में जरूर बताएगा। और आगे बढ़ते हैं, इस गाने के अंदर वीडियो क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं तो वीडियो क्वालिटी में वीडियो डायरेक्टर पवन पाल है जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाते, लेकिन इस वाले गाने के अंदर कुछ कमियां रह गई है जैसे एडिटिंग में थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग का कमी रह गया है और थोड़ा सा जो ड्रेसअप है उसके अनुसार से पीछे बैकग्राउंड में भी कमी दिखाई पड़ रहा है तो यह कुछ कमियां था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताइएगा और गाना ओवरऑल बहुत बढ़िया है। गाना दबा करके बजने वाला है, अगर यह गाना थोड़ा सा पहले आता तो अभी बहुत ही बेहतरीन गाना यह मार्केट पकड़ लेता, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट करो, गाना बहुत जल्द वायरल हो जाएगा। तो बस मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ में। इस गाने को नंबर देने की बात हुई तो 10 में से 8 नंबर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कमियों के वजह से इस गाने के अंदर नंबर मैंने काट लिया। बाकी आप लोग बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।